press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, I am Professor Rakesh Aswani. मैं स्टडी टिप चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने आज इस चैनल को कहां से कहां तक पहुंचाया। बस इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है What is marketing mix and what are the elements or components of marketing mix? Most IMP question है, कई बार ये पूछा गया है, कुछ लोगों ने इसको 11th standard में भी सुना रहेगा। यही topic आपको TYBCOM में फिर से दिया गया है, detail level पे दिया गया है, कुछ extra points उसमें add किए गए हैं। Let us see the definition of marketing mix by Philip Kotler. फिलिप कोटलर क्या कहते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट्स। आई रिपीट, मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। अब इसका मतलब क्या है? तो ये मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ टूल्स है। टूल्स है, हमारे पास एक हथियार, एक औजार है जिसके जरिए हम मार्केटिंग करेंगे। टू परस्यू मीन्स टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। टू परस्यू मीन्स टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होता है? वी कैनॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। तो हमें टारगेट करके मार्केटिंग करनी पड़ती है। दोस्तों टारगेट मार्केट के ऊपर मेरा अलग से भी एक वीडियो आने जा रहा है बहुत जल्द, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि टारगेट मार्केट क्या होता है। तो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया सिंपल वर्ड्स में, इट इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट्स। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स को पहले हम 4 P's भी कहते थे, अभी उसमें 3 P's और ऐड हो गए, यानी टोटल हो गए 7 P's। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग अगर एग्जाम में पूछा तो स्कोरिंग टॉपिक रहता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। तो चलिए पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। पहले 4 P's जो आपने बहुत पहले शायद सीखे हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ट्रेडिशनली मार्केटिंग मिक्स वॉज कंपोज्ड ऑफ 4 P's। ट्रेडिशनली मार्केटिंग मिक्स वॉज कंपोज्ड ऑफ 4 P's। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। रिसेंटली 3 P's आर एडेड, 3 P's को एड किया गया। वो क्या है? पेस, पैकेजिंग एंड पोजिशनिंग। पेस, पैकेजिंग एंड पोजिशनिंग। तो आज हम टोटल 7 P's के बारे में सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला P, प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग। प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग विच ऑफर्ड फॉर सेल। एनीथिंग विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं, जो चीज हम लोगों को ऑफर करते हैं ताकि लोग अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट्स। इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल गुड्स विच कैन बी सीन एंड टच, इनटेंजिबल गुड्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच लाइक सर्विसेस। तो प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। प्रोडक्ट का दमदार होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा प्रोडक्ट दमदार नहीं है, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर प्रोडक्ट दमदार नहीं है तो मार्केटिंग मिक्स कुछ काम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले चीज होती है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए ताकि हम लोगों की वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट वन इज प्राइस। व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इट इज द प्राइस एट विच सेलर्स आर रेडी टू सेल एंड बायर्स आर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट।
हम मार्केट में जब भी जाते हैं कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बदले में हम जो पेमेंट करते हैं उसको हमने नाम दिया प्राइस। तो राइट प्राइस चार्ज करना है, और राइट प्राइस कैसे चार्ज करना है, प्राइस फिक्स करना सबसे मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि प्राइस ज्यादा रखते हैं तो मुसीबत है, प्राइस कम चार्ज करते हैं तो भी मुसीबत है। ज्यादा प्राइस रखा तो कम लोग हमारा प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्योंकि प्राइस हाई रहेगा तो डिमांड कम रहेगा एंड वाइस वर्सा। लो प्राइस रखते हैं तो फिर जितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं तो उतना नहीं कमा पाएंगे। तो सही प्राइस फिक्स करना आसान काम नहीं है। प्राइस फिक्स करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लग्जरी है, नेसेसिटी है, नेचर ऑफ कंज्यूमर्स कौन से हैं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। हमने ये प्रोडक्ट किसके लिए बनाया है, अमीर लोगों के लिए बनाया है, मिडिल क्लास के लिए बनाया है, लो क्लास के लिए बनाया है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फिक्स द प्राइस। नेक्स्ट पी इज प्लेस। प्लेस का मतलब है यहां पे प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐसे होने चाहिए ताकि हम कोने कोने तक प्रोडक्ट को पहुंचा सके। सिर्फ ऐड करने से कुछ नहीं होता, अगर हमारा प्रोडक्ट किसी प्लेस पे अवेलेबल नहीं है तो जहां डिमांड है वहां तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ गरीब लोग छोटी छोटी दुकानों से शॉपिंग करते तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। कुछ लोग शॉपिंग मॉल से हमारा प्रोडक्ट खरीदते तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोगों तक हम प्रोडक्ट पहुंचा सके जहां उस प्रोडक्ट की डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन मींस ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रमोट द प्रोडक्ट। लोगों तक हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, हमें हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, लोग बाकी कंपनीज को छोड़ के हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ले, इसके लिए कंपनी प्रमोशन करती है। प्रमोशन की कई सारी चीजें होती है, उसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कंपनी एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी पे खर्चा कर रही है, कंपनी फ्री वाले स्कीम्स ला रही है, कंपनी प्राइस को कम करके बेच रही है, स्पेशल डिस्काउंट दे रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मकसद है मार्केट को कैप्चर करना, तो अकॉर्डिंगली कंपनी स्कीम्स कंज्यूमर्स के लिए भी लाती है, डीलर्स दुकानदारों के लिए भी लाती है। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, जितना स्पीड में अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा उतना अपना सेल बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड एट विच मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन। पेस मींस द स्पीड एट विच मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन। अगर हम सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं तो मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, वरना हाल नोकिया जैसा होगा। नोकिया जैसी कंपनी ने, नंबर वन की कंपनी सीधा जीरो पे आ जाती है, क्योंकि उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन लेने में जितनी हम देरी करेंगे उतना हम सामने वाले को फायदा पहुंचाएंगे, सामने वाले यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स को बेनिफिट होगा। तो हमें सही समय पर सही डिसीजन लेना है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होते रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा अलग से वीडियो भी अपलोड किया हुआ रहेगा, उसको जरूर देखिएगा। पेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग की हम बात करते हैं कि आज की तारीख में अट्रैक्टिव पैकेजिंग का होना बहुत जरूरी है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो पैकेजिंग पे खास ध्यान दिया जाता है। आजकल कंपनियां पैकेजिंग पे बहुत वर्कआउट करती है। फॉर एग्जांपल, कैडबरी सेलिब्रेशन की बात करें तो आपने देखा रहेगा चॉकलेट वही है, लेकिन उसको इस तरह से पैक करके बेचा जाता है, कंपनी अच्छा खासा पैसा वसूल कर सकती है। किंडर जॉय की बात करें तो उसका दूसरा एग्जाम्पल है, 40 रुपए का प्रोडक्ट आप लेते हो लेकिन उसमें आप देखोगे तो आधा तो खाली है, उसमें खिलौना दिया गया, बाकी आधे में क्या दिया वो आप सब जानते। तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर नहीं पता है किंडर जॉय के बारे में तो किंडर जॉय खाइए, खुद जान जाइए, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग क्या होता है? पोजिशनिंग की अगर हम बात करें, इट मीन्स टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट यानी एक अलग सी इमेज ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। पोजिशनिंग मीन्स क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। इस तरह का हमने इमेज क्रिएट करना है कि लोग हमारे ब्रांड को पहचाने,
हमारे ब्रांड को प्रमोट करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेस्ट एग्जांपल आईफोन की बात करते हैं, एप्पल आईफोन कितना भी महंगा हो फिर भी खरीदने वाले खरीदते, तो उस तरह की पोजीशनिंग की गई है कि इसके फीचर्स दूसरों से अलग है, ये प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, इसके लिए आज भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो कैडबरी की बात करें, मार्केट में कोई भी बंदा चॉकलेट लेने जाता था वो चॉकलेट नहीं बोलता, वो बोलता कैडबरी देना। तो इस तरह से उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट किया हुआ। पानी का बॉटल मांगने जब हम मार्केट में जाते थे हम क्या बोलते, बिस्लरी देना, जबकि वो मिनरल वाटर की बॉटल किसी भी ब्रांड की हमें थमा देते। तो एक बिस्लरी ब्रांड, तो इस तरह की पोजीशनिंग करनी है कि लोग हमारे ब्रांड को लंबे समय तक याद रखें। तो दीज आर द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पेस, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा, जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। Thank you all for your love and support.